अब कांग्रेस में यह मंथन होना है कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए और कांग्रेस के सभी विधायकों को, हिमाचल में जीतने वाले सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया गया है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ से चंडीगढ़ आ चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऑब्जर्वर बनाए गए, राजीव शुक्ला चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, चंडीगढ़ मोहाली के रेडिसन होटल में पहुंचे हैं, हिमाचल के सीएम प्रत्याशी को लेकर, सीएम चेहरे को लेकर मोहाली के रेडिसन होटल पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेता। खबरें अभी तक की संवाददाता हरसिमरत कौर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मोहाली से इस वक्त। हिमाचल चुनावों के नतीजे आज ऐलान हो चुके हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने बढ़त हासिल करते हुए हिमाचल में जो रुझान है उसमें बहुमत हासिल किया है। 39 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के हिस्से आई हैं, वहीं बीजेपी 25 पर सिमट कर रह गई और अन्य को 3 सीटें मिली हैं। इसी के चलते जितने भी विधायक हैं सारे के सारे शायद आज चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। इसके लिए जो कवायद है वो शुरू हो गई है, जो ऑब्जर्वर लगाए गए थे वो सारे चंडीगढ़ पहुंचे हैं। वहीं पर भूपेश बघेल साथ ही साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हिमाचल के ऑब्जर्वर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच गए हैं चंडीगढ़ और उनकी एक मीटिंग जो है वो निजी होटल में की जा रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम उस होटल के बाहर से जहां पर पहुंचे हैं खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेश बघेल और उनके साथ और भी कई मंत्री और विधायक मौजूद हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पुलिस बल, आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर मुस्तैदी जो है पुलिस बल की तरफ से की गई है। आने जाने वाला ट्रैफिक जो है वो रोक दिया गया है और मीटिंग जो है वो कुछ ही देर में इस होटल के बैंकेट हॉल में शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही एक 728 नंबर सूट जो है वो खुलवाया गया है। बताया जा रहा है कि जो मीटिंग है वो यहाँ पर होनी है इस होटल में, तो उसके लिए अभी इंतजार कर रहे हैं 728 नंबर सूट में बैठकर। तो कुछ ही देर में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि चाहे कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है हिमाचल के रुझानों में, पर फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं डर जरूर सता रहा है कि कहीं कोई जोड़ तोड़ ना हो जाए या फिर कोई विधायक इधर से उधर ना हो जाए। इसलिए इन्हें इकट्ठा एक जगह पर करके आगे की रणनीति किस तरह की रहेगी इस पर काम किया जा रहा है। इसी रणनीति को बनाने के लिए जो कांग्रेस के ऑब्जर्वर थे जिन्होंने हिमाचल को संभाल रखा था, जिम्मा ले रखा था हिमाचल चुनावों को आगे लेके जाने का, हिमाचल में अपनी बढ़त बनाने के लिए जिस तरह से कांग्रेस ने काम किया था, आज जब बहुमत साफ हो गया है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो इसके बाद जो रणनीति है उसके लिए निजी होटल में बैठक जो है वो की जा रही है। इस बैठक के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेश बघेल और कई तमाम नेता, कांग्रेस से जुड़े हुए दिग्गज नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ अभी पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब रुझान आ रहे थे और जैसे जैसे ये चीज साफ होती गई कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, तभी जो जीते हुए विधायक थे उन्हें हिमाचल से निकलने का जो संदेश है वो दे दिया गया था। तो इसके लिए अलग अलग जगह बताई जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक रायपुर का एक रिजॉर्ट भी बुक किया गया था और उसके अलावा चंडीगढ़ के साथ लगते मोहाली में एक निजी होटल भी बुक किया गया था ताकि जो विधायक हैं, जो उनके साथ लोग हैं, जो जीते हैं हिमाचल से, वो किसी और के संपर्क में ना आए और उन्हें यहाँ लेके आया जा सके ताकि यहाँ पर मीटिंग हो और आगे की रणनीति तय की जा सके। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मोहाली के होटल की तस्वीरें हैं जहां पर आज मीटिंग चल रही है। रुझानों के बाद, बहुमत लेने के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता यहां पर मीटिंग कर रहे हैं। कुछ ही देर में रणनीति जो है कांग्रेस की तरफ से ऐलानी जाएगी। वहीं जब भूपेश बघेल से बातचीत हुई तो उन्होंने ये सारा श्रेय जो है वो कांग्रेस की हाईकमान और अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जो जनता है वो रिवाज बदलने में यकीन रखती है, इसी तरह से जो वो रिवाज बदलने की परंपरा हिमाचल के लोगों ने आज भी कायम रखी है। तो इसी के चलते जो बहुमत है वो हिमाचल में आज कांग्रेस को मिला है। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है इसको लेकर के मीटिंग अभी जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।